Yang Ramu Variyam Ramu Vacharam Ramu Loisav Sarvam Suddhatman Manikantam Sajamuttam Mangalam Bandhi Sandhar Siddharam Sandhar Sarupakar Mangalam Bhagavan Viru Mangalam Gautam Gani Mangalam Kundu Kundu Ati Hujain Dharmurthun Sar Mangala Mangalim Saru Kalyan Karkam Pradhanam Sar Dharmana Jainu Vyatu Sasam Namai Samvishnaraya Swanu Bhutpyaji Kasi Chiswabhai Bhavai Sar Bhavan Tachidai अध्यात्म को समझने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए जिनमानी के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है वस्तु अनादि अनंत है ये आगम है आगम का वाचक जिनमानी है मैं अनादि अनंत हूं ये अध्यात्म मैं अनादि अनंत हूं इसका मतलब मेरा जन्म नहीं मेरा मरण नहीं अनादि अनंत तो मानती रही लेकिन जन्म मरण शायद देखती रही और कथनचित स्यादवाद लगा दिया और इस स्यादवाद दृष्टि के बिना होता कौन है दिव्य दृष्टि होने के पश्चात साथ ही स्यादवाद होता है दृष्टि कहाँ है विश्व में छह द्रव्य है सात तत्व है सत्ता सबकी है छह द्रव्य सात तत्व को नहीं मानता वह तो गणित में चाहती विश्व में छह द्रव्य है सात तत्व है सात प्रयोजन भूत हैं ठीक है और उपाधि एक है अर्थ करने योग्य होना अलग बात है और उपाधि होना अलग बात है जो जो है वह सब उपाधि नहीं है तुम्हें मालूम है मंदिर भी में जिन प्रतिमा भी है और मंदिर जी में बेचे भी है झाड़ू भी है लेकिन जिन प्रतिमा देखने योग्य है स्मरण करने योग्य है ये बेचे शास्त्र के लिए प्रयोजन बातों हैं लेकिन ये बेचे उपाधि नहीं है बनवाएंगे तो इनको रखेंगे तो लेकिन इनका आचरण नहीं करेंगे होना अलग बात है और उपाधि होना अलग बात है उपाधि में भी प्रकट करने योग्य अलग बात है आश्रय करने योग्य अलग बात है आश्रय करने के लिए पहले से होना चाहिए प्रकट करने में नया प्रकट हुआ संवरण जरा अनादिकाल से नहीं है प्रकट करने योग्य उपाधि है लेकिन आत्मा अनादिकाल से आश्रय करने योग्य उपाधि है रोटी बनानी है तो आश्रय पर्याय का वो क्या नाम आटे का नाम अटा ले आप रोटी ले आओ नहीं रोटी लाओगे फिर आटे क्या होगा आटा लाओगे रोटी बनेगी आत्मा का आश्रय होगा संभव प्रकट होगा और संभव जिसे प्रकट करने योग्य नहीं लगता उसे आत्मा आश्रय करने योग्य काय की जरूरत
आत्मा का आश्रय है संबर प्रकट करने के लिए, निजा प्रकट करने के लिए, मोक्ष प्रकट करने के लिए। मोक्ष पूर्ण अवस्था है, संबर निजा एक देश अवस्था है। तो उपाधि के साथ में भी लग गया, आश्रय प्रकट करने योग्य एक देश उपाधि संबर निजा, मोक्ष में प्रकट करने योग्य सर्व देश उपाधि। लेकिन प्रकट करने योग्य हैं, आश्रय करने योग्य आश्रय के है ही नहीं तो करो क्या, हो जाएंगे तब करने से फायदा क्या हुआ। जब प्रकट हो ही जाएंगे तब आश्रय क्या करोगे, और आश्रय करने के लिए जब आश्रय करने योग्य है तो पहले होगा आश्रय करेंगे प्रकट होगा। शुद्ध आत्मा कौन है, जो प्रमत्त नहीं होता अप्रमत्त नहीं होता। प्रमत्त और अप्रमत्त आप जानते हैं, गुणस्थान का नाम है, गुणस्थान का नाम है। अवस्था विशेष है, छठम गुणस्थान तक जीव को प्रमत्त कहेंगे, फिर अप्रमत्त कहेंगे। जो रवि हो जी अप्रमत्त हो, जो नया अप्रमत्त नहीं होता, पहले से ही अप्रमत्त है, जिसके आश्रय से अप्रमत्तता होती, जिसके आश्रय से अप्रमत्तता होती अप्रमत्त दशा होती, जिसके आश्रय बिना प्रमत्त दशा होती। परम पुराण में एक सुंदर चर्चा है, सभी ऋषि शाम तक अपने काम में लगे रहे, लेकिन घने प्रमाली मतलब टाइम पर पूजा कर ली, टाइम पर स्वाध्याय कर लिया, टाइम पर सब काम कर लिया, दुकान खोल ली, टाइम पर रोटी खा ली, लेकिन अपने को ज्ञाता रूप नहीं दिखा तो घने प्रमाली। उठे नमोकार मंत्र पढ़ा, ठीक है ये तो ठीक बात है, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते समय भी आपको ये जगह पढ़ने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता रूप, नमोकार मंत्र पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया को नहीं पढ़ लिया तो पढ़ लिया। रमुकार मंत्र न पढ़ने वाले से तुलना करके रमुकार मंत्र पढ़ने वाले ने अपने को धर्मात्मा मान लिया, तुम सभी जी क्या करते रहते हो, सभी जी समय करते हैं, अरे करते हो, समय करने का नाम नहीं है और करने में सहायक नहीं। स्वास्थ्य से प्रकट होने वाला साम्य भाव का नाम सामायिक है, उसमें कर्तृत्व नहीं होता। सामायिक कर दी, नमोकार मंत्र पढ़ दी, सामायिक में क्या कर रही हो, तो बस वो ऋषि ना देंगे। नमोकार मंत्र पढ़ती है, बारह भावना पढ़ती है, बैराग्य भावना पढ़ती है, हमारे पास बढ़ती है, माला फेरती है। सच बताओ, इन कार्यों को करते समय भी बीज ज्ञान बढ़ता है या नहीं? तुम करती हो, अगर तुम्हारा चित्त विक्षिप्त हो गए, कर्म बैठे लोगे माला फेरनी और चित चला जाएगा जाने का, माला मन नहीं लगा, आज बुखारती बिरसा माला मन नहीं लगा, दुकान पर चला गया, बैठे यहां और चित्त कहां है, क्या कहा हमें मालूम नहीं, क्यों
क्या कान से थोड़ी सुनते उपयोग से सुनते, उपयोग तुम्हारा दुकान में चला गया तो सुनेगा कौन, उपयोग तुम्हारा बाजार में चला गया सुनेगा कौन। बैठे यहां है और गरम गरम पकौड़ी ये कर रही हूं, क्या करोगे? जिसके बिना आश्रय के प्रमाद छूटता नहीं है, ध्यान रखना, जिसे संसार में प्रमाद कह दिए उसका नाम प्रमाद अलग है और शास्त्र का प्रमत अलग है, मुंडाज का प्रमत। प्रमाद माने कर लेंगे, चल रही है, जहां कौन चीज जा रही वहीं पड़ी है। ऐसे ही हमारा उपयोग कहीं का कहीं लगा है, आत्मित कर लेंगे घने प्रमाणी। आत्मायत स्वरूप है, ऐसी अनुभूति का नाम वह प्रमत्तता है। हमें आत्मा का हित करना है, ये कर्तत्व की भावना है, समझ में आया? हमें अपने आत्मा का हित करना है, क्यों पहले से नहीं है? नमक अनाधिकार सिखा दिया, माने उसे किसी दूसरे ने खा नहीं बनाया। मिर्ची अनाधिकार से चल पड़ी है और मिश्री अनाधिकार से मीठी है, और आत्मा कुछ नहीं। मानो आपकी शैली में आत्मा तो हो लेकिन आत्मा का कोई स्वरूप न हो। मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आपको स्वरूप विपर्य की बात कही टूटे मनी, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेदाभेद विपर्य, सत्ता की विपर्य नहीं। नास्तिकों को छोड़ करके आत्मा की सत्ता को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने मात्र से कोई आस्तिक नहीं हो जाए। आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करोगे तब आस्तिक बनोगे। अरे आस्तिक बनने की बात कही, जैन बनने की बात कही पंडित टूटमल जी, वो भागचंद जी ने कहा, जिन्हें सच्चा जैन बनना हो गए तत्व निर्णय करना चाहिए, समझ गए? तत्व निर्णय किए बिना जैना तो कहां से आए? इनको देख करके हम रात में नहीं खाएं, इससे क्या होगा? डॉक्टरों को सुन करके रात में नहीं खाएं, भोजन पहले कर लेना चाहिए। सोने भोजन किया और सो गए, ये कोई बात नहीं, बीमारियों का कारण है, पचेगा का, डॉक्टर ने कहा हम रात में नहीं खाएंगे। क्या जैन थोड़ी बन गए? रात्रि भोजन में का त्याग करने मात्र से जैन थोड़ी बन गए? क्या कहना है? जैन रात में नहीं खाते, रात्रि भोजन का त्याग करने मात्र से जैन नहीं हो जाते, समझे? कुछ जैन रात में नहीं खाएंगे, क्यों बोलो? कि उस प्रकार की कसाय नहीं है उनको जो जिन आज्ञा का उल्लंघन करे। जिन आज्ञा का उल्लंघन करके जो अपने पक्ष का पोषण करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, वे तो जैन भी नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा, चाणार्य युग का ये नियम
लोक में प्रसिद्ध जग जाए ये बात, रात को नहीं खावे भी जनी, जनी रात को नहीं खाए, लेकिन क्यों नहीं खाई, उस प्रकार की उनको कसाय नहीं है। ये कसाय का निमित्त निमित्त कार्य है, तीव्र कसाई भी रात में भोजन करेंगे, मंद कसावा सब तीव्र कसाय, उस प्रकार की कसाय को देखना, उस विषय में कसाय तीव्र, खाने की कसाय तीव्र। हम इनसे कहें ये ठीला पर बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बन रही है, खाते हो पैसा हम दे देंगे, पैसा तो हम दे दोगे लेकिन पाप किसको रह गया, परिणाम किसको आया, ये कहेंगे नहीं हम नहीं खाते, हमारी कुल में नहीं खाई जाती, यही तो कहेंगे। क्या मतलब, इस प्रकार क्या इनका मन नहीं चलेगा, इनको कसाय है नहीं। जैसे मुंडाज को आहार लेने का भाव तो आया तब तो चले, लेकिन ऐसा भाव नहीं है मांगने लगे, याचना नहीं करेंगे, नहीं विधि मिलेगी तो बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, क्या नियम है मार बताएंगे नहीं, क्यों के बताने में इस प्रकार की तीव्र कसाय होती है, उस प्रकार की कसाय उनको नहीं है। आप पहनोगे कि नहीं, लेकिन चमड़ा नहीं बनोगे, पहने तो उस प्रकार की कसाय नहीं है, ये कसाय के कार्य हैं। गाली दे के बता नहीं, क्यों उस प्रकार की कसाय नहीं है जो आपके मुंह से गाली निकले, ये तीव्र कसाय, तीव्र को हो तब समझ में आ सकता, तब हो सकता है, जब तीव्र क्रोध नहीं है तो गाली कहां से निकले, क्रोध का नैमित्तिक कार्य कैसे हो। तो क्या कह रहे थे, जैनी रात में नहीं खाती, ये बात तो सही है, क्यों जैनियों को उस प्रकार की कसाय नहीं है, रात में खाने का त्याग करने मात्र से जैनी नहीं हो जाते, कि हमने त्याग कर दिया हम जैनी हो गए, जैनी कैसे होती है, ज्ञानी भवंत जिन्नीत मलंगयंती, जिन्नीत का उल्लंघन न करते हुए जैनी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। पंडित भागचंद जी क्या कह रहे हैं तुम्हारी भाषा में, जिनको सच्चा जैन बनना हो उन्हें तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए, तत्व निर्णय का अभ्यास नहीं करोगे तो कसाय मंद कैसे होंगी, और कसाय मंद नहीं होंगी तो जैनी कैसे बने, काय की जैनी, गेह से डर रहे ये जैनी है, जैन धर्म के स्थूल स्वरूप से भी परिचित होगा वह व्यक्ति कह देगा ये जैनी कैसे, ये कैसा सोना है, कसौटी पर खाई नहीं, ये तो सोना दिखता है सोना है नहीं, नकली है, नकली मानेंगे होता है ये है नहीं, नकली सोना माने सोना नहीं, सोने जैसा दिखे तो सोना नहीं होगा, उसका नाम है नकली सोना, नकली धर्मात्मा का मतलब है धर्मात्मा जैसा दिखे, तुम असली धर्मात्मा क्या है, नकली धर्मात्मा भी नहीं, रात में पंगत लगाई और सब खाने पहुंच गए, दूसरे व्यक्ति ने जिसको तुम अजैन कहते हो उसने तो तुम्हारा आदर किया,
आप रहते हो खालू आपके लिए वहां व्यवस्था नहीं, हमारे सब चलता है। वहीं बैठ के आलू की सब्जी और पूरी खाया है, जैसे बहुत बड़े हो गए कबू पूरी मिली हूं। एक ने नहीं खाते तो क्या हो जाता, धर्म की भावना होती। लेकिन नहीं, आलू की सब्जी और पूरी वहां बैठ खाया है, उसने तो आपके लिए अलग बनाया, लेकिन आपने अपना अनादर स्वयं किया। क्यों? आपको रसायन इंद्रिय की आसक्ता है, आपकी कसाय की तीव्रता है, समझे? ये कितने भोजन का दिए रात में आप, कसाय की तीव्रता है। क्या करें, क्या करें? अरे क्या करें, ऐसी नौकरी को लात मारो जिसमें रात ही में भोजन करना पड़े, जिसमें नरगल प्रवृत्ति करना पड़े, कुशील करना पड़े, बहुत पहले की बात है। अंग्रेजी माना था, एक बैंक का मैनेजर के सामने आने वाला कैशियर क्या करता था, शाम को चला आता था, उसके बाद भोजन करके पहुंच जाता था फिर बैंक में। मैनेजर नया आया, उसने कहा ये मिस्टर जैन क्या करते हो, तुम चले जाते हो फिर आते हो, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, कल से नहीं जाओगे। उसने घर आए और इस्तीफा भेज दिया चुपचाप, कुछ नहीं कहा, घर आया और इस्तीफा लेकर के भेज दिया नौकरी से। जे आए मैनेजर ने बुलाया यहां, क्यों? कि हम रात में भोजन कर नहीं सकते और आप छुट्टी दे नहीं सकते, तो हम क्या करें, और रोज रोज भोजन के बिना हम कैसे रहेंगे। इतना खुश हुआ मिस्टर जैन, आप जाओगे लौट के नहीं आओगे। अब आपने सोच लिया पक्का जैन है, अरे पक्का कच्चा की बात नहीं, सच्चा जैन बोलो। पंडित भागचंद जी कहते हैं जिन्हें सच्चा जैन बनना हो उन्हें तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए आत्मा। जब समझोगे आत्मा है तब सो होगा, दुख दूर होगा, तब बताने वाले की महिमा आई, ओहो ये परमात्मा, ये गुरु, ये साथ, ये स्थान, ये तो हमारे जन्मभूमि है। सम्यक्तु का जन्म होना, उसका नाम जन्म ही नहीं मानते, शरीर का संयोग होना उसका नाम जन्म मान लिया। तन उपजात अपनी उपज जान, ये किसका लक्षण है, हैं? समझ लो, तुमने यही नहीं माना ये हमारी जन्मभूमि, किसी को नहीं रहेगा ये हमारी जन्मभूमि, और स्वाध्याय करके उठ के चले आए। ये जन्मभूमि है कि नहीं, और ये जन्मभूमि है तुम्हारा कोई कर्तव्य है जन्मभूमि के प्रति, प्राण छबर कर देना, प्राण दे करके भी रक्षा करना, ये जन्मभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है। ये सुनते ही नहीं कोई, कमेटी वाले तुमको, ये हमारी जन्मभूमि है, इसका मतलब ये हुआ इसके लिए तन मन धन सर्व समर्पण। आत्मा की आराधना नहीं छोड़ करके इसकी हम रक्षा नहीं करेंगे। आत्मा की आराधना जब तक नहीं है, गृहस्थ दशा है, तब तक इसको संभालेंगे। और केवल जिन मंदिर ही नहीं संभालेंगे,
दिन मंदिर में आकर के अपने प्रणाम भी संभालेंगे। तत्व निर्णय जब करने बैठेंगे तब पहले कॉन्शियस बात होगी, जीव मैं जीव हूं, अहो मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी, मैं तो शरीर को ही अपना मान रहा था, मैं जीव हूं। कौन सा जीव? अनादि अनंत। कौन सा जीव? जो प्रमत अप्रमत नहीं होता। सूर्य कौन सा? आकाश का सूर्य, जो अंधकार उजालामय नहीं होता, जिसके उदय होने पर उजाला होता है, जिसका अनुदय होने पर अंधेरा होता है। अंधेरा क्यों है? कि सूर्य का उदय नहीं हुआ बादल में। उजाला क्यों है? सूर्य का उदय हो। विचार करो, तुमने ये मान लिया हमारे सब सामान व्यवस्थित रखा है, हम प्रमादी कहाँ हैं? हम तो 4 बजे उठते हैं, प्रमादी तो 8 बजे उठने वाले हैं, 10 बजे उठने वाले हैं, हम कहाँ प्रमादी? हम तो 4 बजे उठकर के चले जाते हैं और दूध लेने जाते हैं, पानी लेने जाते हैं। अच्छा, ये कोई अप्रमत्त का लक्षण नहीं है। अप्रमत्त का लक्षण तो ये है अपनी आत्मा की अनुभूति, निर्विकल्प बने। तो जिसके आश्रय से प्रमाद होता है, नहीं जिसके आश्रय से अप्रमत्त होता है और जिसको जाने बिना प्रमाद होता है, वह गैर भाव में। एक तो पढ़ने गया, नौकरी करने गया, रात को खाने रहा, एक जन्म से ही रात में खा रहा, जन्म से जब से बड़ा हुआ उसने यही देखा। करूं तो उसने दिखाया, उसने दिया। तुमने उंगली पकड़ करके कभी इन भगवंतों को दिखाया नहीं। ये संतान का माता के वो माता पिता का संतान के प्रति अन्याय है। देखने योग्य कैसे दिखा? जब तक ये प्रतिबिंब नहीं दिखा। एक लड़के की सगाई वाले आए, लड़का तो विदेश में, कैसा फिर कैसे समझ में आए? कई फोटो है, उस फोटो को देखा और दिखाया, लड़का तो सुंदर है, देखा क्या फोटो और क्या आवाज निकली, लड़का तो सुंदर है। फोटो को देख करके लड़के का ज्ञान हो गया, ऐसे प्रतिबिंबों को देख करके चिरबिंब का ज्ञान हो गया। आपको प्रतिमा देखते समय ये लगना चाहिए आत्मा परम सुंदर है। आत्मा सुंदर नहीं होता तो आत्मा के आश्रय से होने वाली दशा कैसे सुंदर होती? और जब दशा सुंदर नहीं होती तो उसका निमित्त कार्य के सुंदर कैसे होता? दिखाने वाले की महिमा तब तक नहीं आएगी जब तक दिखेगा नहीं। दिखेगा तब दिखाने वाले की महिमा आएगी। अरे हम आपसे पूछें, आपके घर लड्डू किसने बनाए? हलवाई ने के भाई ने? आप क्या नहीं पाओ? बने ही नहीं, कौन से कह दिया आपने? बने हुए तब किसने बनाई है तो बात हो सकती है, जब बने ही नहीं है तो किसने बनाई, ये बात कहां से आई? आत्मा को सुखी किसने बनाया?
आत्मा ना बनने वाला तत्व नहीं है, बनाया जाने वाला तत्व नहीं है, एक गाथा है इसमें सर्व सुदीर्घ काल उपजे नहीं किसी से, किसी से उत्पन्न नहीं होता और किसी को उत्पन्न नहीं करता। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता और किसी को उत्पन्न भी नहीं करता, तो ये बताओ काय को मूवमेंट भरी हो? पिताजी को देख करके सोचते हो तुम हम इनसे उत्पन्न हुए, ये हमारी जनक है, और पुत्र को देख करके हमने इसको उत्पन्न किया, हम इसकी जनक है, ये हमारा जन है। तुम आत्मा हो कोई और हो? जब आत्मा हो तो ये कहां से आ गया? दो बातें तो नहीं हो सकती, आत्मा भी बने रहो और उत्पन्न करने वाले भी बने रहो, उत्पन्न होने वाले भी बने रहो। उत्पन्न होने वाले और उत्पन्न करने वाले भी बने रहोगे तब तक अनादि निरंतर को समझा ही नहीं है। तत्व निरय जब हम करने बैठेंगे तो आत्मा की ओर दृष्टि जाएगी। सबसे पहला तत्व है कौन? जीव तत्व, आत्मा। जब जीव तत्व की ओर हमारी दृष्टि आई तो सुरक्षित तो रहेंगे नहीं, कहीं पानी बरसा तो हवा में लौ तो उठेगी नहीं, लपट तो चलेगी नहीं। अरे भाई हवा ठंडी होगी, कहीं पानी बरस गया, तुमने कैसे आना? देखा नहीं कि हवा ठंडी है। तुम्हारे परिणामों में ममता आ गई तो मेरी चीनवाणी का आदर है, देव का आदर है, गुरु का आदर है। देव गुरु का आदर नहीं है, चीनवाणी का आदर नहीं है, इसका मतलब है कथाओं की ममता भी नहीं। देव साथ गुरु की श्रद्धा भक्ति होवे तो कसायों में ममता होती ही है, और कसायों में ममता होवे तो ही भक्ति होती है, उसके बिना भक्ति नहीं होगी। पढ़ने और सुनने की बातें नहीं है, सोचने की बातें हैं। तत्व विचार वाला जीव ही समस्वाधिकारी है, आप विचार करना सीखो। आत्मा की अनुभूति कोरी होगी, शुष्क होगी, सरस होगी, और ऐसी सरस होगी जहां रस नीरस हो जाए तत्क्षण। गोष्ठी में एक बात कही, केला कैसे मीठे, मुनक्का मीठे और छुआरा मीठा, लेकिन मिट्टी के ऊपर खाओ तो सब उस मिट्टी के मिठास को पा सकता नहीं कोई। मिट्टी का मिठास निरपेक्ष है, मिट्टी के ऊपर खाओ बिल्कुल खरबूजा ऐसा है जैसे मिट्टी हो, आम ऐसा है जैसे मिश्री हो। अरे खाइए कभी मिश्री, मिश्री के ऊपर खाओ तो सही पता पड़ जाए तुम्हें, मिश्री के ऊपर जो कुछ भी खाओगे सब फीका लगेगा। आत्मा से अभिन्न होकर के जो भी देखोगे सब भिन्न दिखाई दे। आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम, क्यों? स्वभाव के समीप जाकर के नहीं देखोगे तो प्रभाव भिन्न कभी नहीं दिखेंगे। ये पंडित जी जितने आते हैं सब कहते प्रभाव भिन्न है, अध्यात्म के साथ सब प्रभाव भिन्न कहते हैं, और चाहना एक साथ बेकार है, फिर कारण योग बेकार है,
परमाणु वो बेकार है, अरे बेकार नहीं उपचार है। क्या कह रहे? उपचार को उपचार नहीं समझो, परमार्थ समझ बैठो तो तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है, अज्ञान है। उपचार को उपचार तो समझो, उपचार को परमार्थ मत समझो। कौन सा शुद्ध आत्मा? आत्मा शुद्ध आत्मा कौन है? निर्णय करो, निश्चय करो। जब आत्मा का निश्चय करने बैठे तो आत्मा स्वभाव से ही आनंदमय है। सिद्ध भगवान के कौन से विषय है, कौन सा परिग्रह है, कौन सा क्या है, शरीर है, कुछ है? अरे कुछ नहीं है, सब कुछ है। सिद्ध भगवान के कुछ नहीं है, सब कुछ है उनके पास। आत्मा है तो सब कुछ है, और आत्मा नहीं है तो सब कुछ कहां से आ गया? सब बेकार। आत्मा को समझे बिना पुण्य के उदय से परिग्रह का ढेर हो जाए, सब बेकार। आत्मा को समझे बिना तुम्हें सब कुछ, सब लोग विद्वान समझने लगे, बेकार। ये बहुत विद्वान है, अरे बहुत विद्वान, छोटे विद्वान बनो, छोटा विद्वान होता है वेद ज्ञानी। जिनेश्वर के लघु नंदन जो भेद ज्ञान नहीं है तो काय के विद्वान हो? स्वस्थ ज्ञान है, कोई क्रियारत रहे हो स्वस्थ ज्ञान में, कोई माने मार्ग मोक्ष को करना उपजा हुआ, बिना भेद ज्ञान के ही आपने मान दिया हम विद्वान है। गाथाएं रट करके, टीकाएं रट करके, सूत्र रट करके मान लिया हम बस ज्ञानी हो गए। ऐसी विपरीत मान्यता को अब छोड़ देना चाहिए। और कि मान लिया मैं बहुत ज्ञानी हूं तो फिर इनसे अभिमान आ गया, अभिमान का प्रदर्शन होने लगा। ये सब कुरीतियां आई कहां से? वेद ज्ञान के अभाव। इसीलिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा है। क्यों, क्या लिखा? भेद विज्ञान से सिद्धा सिद्धा ये के लिखी, असेवा भाव तो बद्धा बद्धा ये के लिखी। आत्मा से अभिन्न होकर के दिखा तो शरीर और प्रभाव सब भिन्न दिखाई देंगे। बुखार शरीर में आता कि नहीं? शरीर ये भिन्न है कि नहीं? बुखार शरीर में आता कि नहीं? और शरीर ये भिन्न है कि नहीं? शरीर का स्वभाव भी स्वभाव नहीं है। भोग भूमि में, स्वर्ग में किसी को बुखार नहीं आता, भगवंतों को किसी को बुखार नहीं आता। अगर भगवान हूं ऐसा अनुभव करोगे तो तुम्हें भी बुखार नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अरे भगवान हूं ऐसा अनुभव करने की बात तो दूर है, भगवंतों की भक्ति भी होगी तो तुम्हें बुखार नहीं आएगा। बड़ी करुणा से जब हम किसी के पैर छुए, किसी की वंदना करें तो आशीर्वाद देता है। क्या देता? तुम्हारा रोम न पिराया कर, रोम नहीं पिरा, रोम पिराएगा कैसे? जब भक्ति छूटेगी तब, भक्ति से होने वाले पुण्य से रोम नहीं पिराएगा। भोग भूमि और स्वर्ग में बुखार आता है, खांसी होती है, भूख लगती है, कछुए
और जीवन चलता है कहां। इसका मतलब ये सब विकृति है और ये विकृति आत्मा को न जानने का दुष्परिणाम है। तुम्हें सवेरे शाम तक दुकान पर करनी पड़ती है, बुढ़ापे में भी दुकान देखनी पड़ती है, ये सब विराधना का फल है। अगर तुमने आत्मा की आराधना करनी हो, करनी पड़ती वो कही होती तो तुम इस करनी हो, करनी पड़ती वो कही होती तो तुम इस काल में जन्म ही नहीं, इस काल में जन्म नहीं देते। पुत्र का एक ये भी कर्तव्य है जो पिता को निश्चिंत बनाता है, पिता की परंपरा को चलाता है, केवल संपत्ति को ही आगे नहीं बढ़ाता, पिता की कीर्ति को भी आगे बढ़ाता है, पिता की जो धर्म परंपरा है उसको भी आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो तुम इनकी शादी में जाओगे नहीं, अब पिताजी तो है नहीं, अपन को जाने बोलो, अब पिताजी तो पूजा करते नहीं और हम ही कर नहीं, हाँ दे नहीं तो ही बंद हो जाएगी। पिताजी दान देते अब हमें दान देना, ये क्यों नहीं सोचते। पिताजी पूजा करते थे अब हम पूजा करते, ये क्यों नहीं सोचते। तुमने कभी पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने की सोची ही नहीं। आगे बढ़ाने की बात तो अधूर है, निर्वाह करने की बात नहीं सोची। क्या पिताजी 100 रुपया देते थे, चलो 100 तो दे रहे, सोचे हो। बात तो न्याय की ये है, पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ा, अब 100 में क्या होगा। तब 2 टका लेता था मजदूर, अब 400 रुपये देता है। उसी अनुपात में आपका दान पुण्य भी बढ़ना चाहिए। सौ रुपये हमने दे रहे तो कहा होगा, दान पुण्य भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। अनुपात में पहले तुम 1 रोटी खाते बच्चे थे, अब बड़े हो गए तो कई रोटी खा दो, एक ही दिन तुम्हें इतनी सी तसल जला के दे दें तो। अब तो थाली चाहिए, 4 रोटी चाहिए, वहां तो 4 चाहिए और यहां क्या चाहिए। अब तुम बड़े हो गए, छोटे थोड़ी, बड़े का मतलब यह है छोटे का ध्यान रखें। हम अगर गोची नहीं करेंगे तो ये सुनेगा क्यों, हम गोची नहीं करेंगे तो ये सुनेगा। इनको सुनवाने के लिए साल में आपको 2 गोष्ठी भी लगाना चाहिए, विधान भी करना चाहिए। जी जानेगा, ये थोड़ी ही है देखा जी बह गए पिताजी, अरे हमारे धर्म पिता की परंपरा ये है कि आत्मा के आते से सुखी रहो, दुख का वेदन मत करो। हम बहुत दुखी है, काहे तुम आत्मा नहीं हो। हार होवे, कड़ा होवे, कुंडल होवे, मुकुट होवे, कुछ भी होवे, सोना नहीं है, सोना कब नहीं है। आत्मा कब नहीं है, बहिर आत्मा के समय बहिर और आत्मा अंतर परम, ये तो 3 अवस्थाएं हैं। आत्मा कब नहीं हो तुम, लेकिन आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा नहीं जाना चाहिए, बह जाता हूं। आत्मा हो और आत्मा जाना और त्याग नहीं कर सके, आत्मा में लीन नहीं हो सके अंतर आत्मा,
और आत्मा हो और आत्मा नहीं लीन हो गई परमात्मा, आत्मा बिना कहां से हुआ है? देखो आपने पढ़ा हुआ एक द्रव्यात्मक न एक पर्यात्मक न, द्रव्य पर्यात्मक वस्तु है, द्रव्य पर्यात्मक वस्तु है, और ये द्रव्य पर्यात्मक वस्तु जो है गुण पर्यवत द्रव्यम। अब अनंत गुण और अनंत पर्याय हर समय लगानी पड़ेगी। हमने एक दर्शन दिया था आपको, पार्टी से नटराजी यहां तो बाढ़ा हुआ कि घर होगा, बाढ़ा हुआ घर सो नहीं हुआ, ये किचन है जहां किची खिच होते है, ये किचन है। अरे किचन उसको कहते हैं जिसमें स्वाभाविक प्रकाश हो, यहां आकर के कोई त्यागी भोजन कर सके। अब तुमने लाइट जलाई और बस भोजन बनाना शुरू कर दिया, लाइट में ही भोजन बनता है, लाइट में भोजन होता है, और हम कहेंगे लाइट की जरूरत है इसलिए कि अंधेरा है। कंजूसी मत करना, ये रसोई घर है, हमारे यहां की भाषा रसोई घर की है, किचन की नहीं है। हमारे यहां की भाषा बेडरूम की नहीं है, बैठक की है। अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का तुम्हें गौरव नहीं है? बेडरूम इनसे तो लगती है, कुछ और बोले दो ये बेडरूम है, बेडरूम माने खराब रूम। बोलो बेडरूम माने खराब है कि नहीं? वो अलग है, वो अलग है। अरे अलग हो रहे कौन समझता है, ये बेडरूम है, ये लेटरिन है, ये बाथरूम है, ये बैठक है, ये स्टॉक रूम है, ठीक है। ये बताओ स्वाध्याय रूम कब बनेगा? अरे छोटा हो घर या तो बड़ा हो, स्वाध्याय की जगह तो बनाना चाहिए। और कोई साधर्मी आ जाए तो कहां रुकेगा, उसके लिए भी आपकी दिल में गुंजाइश भी होना चाहिए और घर में भी गुंजाइश होना चाहिए। क्या रो? हमारे घर चलो, अब तुम्हारे घर व्यवस्था ही नहीं, चलो क्या करोगे, कहा कैसे कहोगे? और कहोगे ऊपर से और भीतर इनको देखकर कहना तो, और सोच रहे मन कर दी तो और ठीक है, और इंतजाम होगा तो भीतर से कहोगे घर चलो वहीं छोइयो, सब हैं, धुले कपड़े रखे, नए कपड़े रखे, चढ़ाई है, तखत है, सब है। जब है ही नहीं तब करोगे क्या? हम ये पूछ रहे हैं जिसमें से पार्टीशन सब अलग कर दिए, बीच की दीवारें सब तोड़ दी गई, उसको घर कहोगे कि बाड़ा कहोगे? जिसमें से हमारे अनंत गुण निकल गए उसको द्रव्य कहोगे? गुणों के समूह को, अब गुण निकल गए तो द्रव्य कहां रह गया? पर्याय चली तो द्रव्य कहां रहा? द्रव्य के बिना पर्याय होती नहीं और पर्याय ही द्रव्य होता नहीं। कुछ कह रहे? द्रव्य के बिना पर्याय होती नहीं, पर्याय ही द्रव्य होता, पर्याय ही द्रव्य होता। जो पर्याय मात्र को ही द्रव्य मानते हैं वे पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा, अज्ञानी, अभक्त, कुछ भी मोक्ष मार्ग से बाहर, पर्याय के काल में भी द्रव्य है कि नहीं?
आत्मा अनादि अनंत है, ठीक है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है, वर्तमान में कैसा है? वर्तमान में, वर्तमान में ऐसा वर्तमान शब्द आते ही हम केवल पर्याय को ही समझते हैं। वर्तमान में तो बैरात्मा है। अच्छा, जैसे द्रव्य में वर्तमान होता ही नहीं, कारण शुद्ध पर्याय है ही नहीं, कोई पर्याय भी है तुम्हारी, अरे पर्याय भी है और कारण शुद्ध पर्याय भी है और द्रव्य भी है, और द्रव्य की जो वर्तमान अवस्था है वही कारण शुद्ध पर्याय भी है। क्या सोना जो तकाले सोना है वर्तमान में भी सोना ही है, हार कुंडल अवस्थाएं हैं, मुकुट अवस्था है, लेकिन सोना कब नहीं है, हर अवस्था में जो द्रव्य के संपूर्ण भाव में संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं, और जो संपूर्ण गुण में पाया जाए वो द्रव्य। जब गुणों की बात आती है, पर्याय की बात आती है, तो द्रव्य का निषेध क्यों कर दिए? आत्मा आत्मा नहीं है, आत्मा आत्मा है, तैकारिक तत्व है, अकृत्रिम तत्व है। आपको एक दिन कहा था आत्मा अकृत्रिम भगवान है। एक जिनालय के दो भेद होते, एक कृत्रिम जिनालय एक अकृत्रिम जिनालय, कि न हूं न करो न धरे को, अकृत्रिम किसी ने बनाया नहीं और कोई मिटा नहीं सकता, ये बना है इसको मिटा है। सबका चार में लिखा, मंदिर तोड़ने फोड़ने वाले से भी द्वेष बुद्धि नहीं करे, रक्षा नहीं करे, ये नहीं कह रहे मंदिर की, द्वेष बुद्धि नहीं करे, विचार करे धर्मात्मा मंदिर बनाते पापी मंदिर तोड़ दे, पापी मंदिर तोड़ते हैं इसमें क्या, और धर्मात्मा बनाते हैं। कितनी मूर्तियां खंडित हो गई और कितनी मूर्तियां बन गई, कुछ कमी? खंडित करने वाले ने केवल अपने भावों का खंडन किया, अंधा हो गया, तोड़ता चला आया, और बैरात्मा बाहर के चमत्कार को देख करके ठिठक गया। मधुमक्खियां काटने दौड़ने लगी तो भग गया, लेकिन धर्म बुद्धि नहीं, अधर्म मान करके भगा है, धर्म की प्राप्ति के लिए भगा है, नहीं, मधुमक्खियां काटने दौड़ने लगी वो भग गए, हे भैया यहां तो बहुत मधुमक्खी, ये कहां से आक्रमण हो गया, बंदूक वाले हार गए, तलवार वाले हार गए। ऐसे ऐसे प्रसंग भी आपने देखे पड़े होंगे, हथौड़ा लगाया और दूध की धारा बह, ठीक, लेकिन सर्वांग में अमृत की धारा बह रही है, सो नहीं दिखोगी, अरे ये बड़ा चमत्कार है। तो ये बताओ ये चमत्कार पहले क्यों नहीं हो गया, आई ने पाए वहां से वहीं आने हो जा, ये तो घटनाएं घट गई, लेकिन विचार करो धर्मात्मा मंदिर बनाती है, भाभी मंदिर तोड़ती, क्या करें, कर्म का ऐसा ही उदय है, जो ये बलवान हो गए इनकी शर्ती हो गई, अभी तो रहे धर्म, ये धर्मात्मा हो गए तो बना रहे,
बुद्धि नहीं कर, अन्य मत का मंदिर मूर्ति होवे उसको भी बिगाड़े नहीं, बिगाड़ते समय परिणाम पहले बिगड़ते तब मंदिर मूर्ति बिगड़ी। ये तो पंडित जी ने लिखा सदा सुखदास जी, ये तो लोगों ने अपनी मानसा से माने पूजने के लिए बनाई, स्थापन किया इनका धर्म का काम, धर्म समझ करे। लेकिन विचार करना, विपरीत समझने से धर्म नहीं होता, इसको सोना समझ लें, सोना हो जाएगा, जेब में डाल लें, ऊपर की जेब में डाल लें, बैग में डाल लें, सोना थोड़ी हो जाएगा। हमारे मानने से जब काट सोना नहीं होता तो हमारे मानने से अचेतन चेतन कब? जिन भोगों में सुख नहीं है हमारे मानने से वो सुख कैसे मिल जाए? जिन कार्यों के हम कर्ता नहीं है, कर्ता मानने से कर्ता कैसे हो जाए? रंग हो दिया प्रमत हो, नया प्रमत नहीं हुआ। तुम ब्रह्मचारी कब से हो गए? अरे हम तो जन्म से ही ब्रह्मचारी है, हमने विवाह किया ही नहीं, हमने ब्रह्म स्वरूप को समझा है सबको, अपने को भी, इसलिए ब्रह्मचारी। माने एक ब्रह्मचारी एक बाल ब्रह्मचारी, दो शब्द का प्रयोग करते हो। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जिसने अधेड़ अवस्था में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है। लेकिन जिसने जन्म से ही ब्रह्मचर्य धारण किया है, विवाह का कोई विकल्प ही नहीं है, उसको ब्रह्मचारी ही को बाल ब्रह्मचारी, बड़ा ब्रह्मचारी कहेंगे। ऐसे ही कृत्रिम अकृत्रिम आपको मालूम है, कोई भी पंच कल्याणक होवे, कोई भी प्रतिष्ठा होवे, प्रतिष्ठित प्रतिमा पहले चाहिए। कौन से रहा? गांव के मंदिर से लिया, बाहर के मंदिर से लिया, कौन से लाओ? पहले प्रतिष्ठित प्रतिमा चाहिए। नहीं, अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं सो हो गए उसे कोई मतलब है। प्रतिष्ठित प्रतिमा, प्रतिष्ठित प्रतिमा माने पहले से प्रतिष्ठित, तो पर्याय की प्रतिष्ठा के लिए भी प्रतिष्ठित द्रव्य चाहिए। प्रतिष्ठा माने क्या होता है जानते हो? वो तो हम नहीं जानते, विधानाचार्य लोग जानेंगे, प्रतिष्ठाचार्य लोग जानेंगे, लेकिन हम जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा करके उसमें पूज्यपने का आरोपण किया है। गर्भ कल्याणक के दिन क्या हुआ? गर्भ कल्याणक जिनका हुआ है, 24 तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक की पूजा करके उस प्रतिमा में, नई प्रतिमा में आज भगवान गर्भ में आए, आज आए हैं, तुमने आज देखे हैं। जन्म कल्याण के दिन क्या होगा? भगवान के जन्म कल्याण की पूजा करके इस नई प्रतिमा में जन्म का आरोपण करेंगे, आज भगवान जन्मे, कल भगवान ने दीक्षा लेंगे। सब लोग ध्यान से आए हैं, कल भगवान दीक्षा लेंगे। तो अभी तक दीक्षा नहीं ली, माने आकृतिम चाहिए, प्रतिष्ठित चाहिए, प्रतिष्ठित के बिना अप्रतिष्ठित में आरोपण कैसे करो?
ऐसी द्रव्य बिना पर्याय कैसी दिखोगे, कैसी समझोगे, क्या मानोगे? पर्याय दृष्टि अलग है, पर्यार्थिक नय अलग है। पर्यार्थिक नय माने वो सम्यक ज्ञान का भेद है। किसी कैसी पर्यार्थिक है जो पर्याय को विषय करता है। हम ये नहीं कहेंगे ये आत्मा है, पर्यार्थिक नहीं ये कहेगा कि ये बैरात्मा वर्तमान की पर्याय को देखेगा, ये श्रावक है। ये थोड़ी कहेगा ये मणि है, कैसे मणि है ये? और तो और एक छोटा बच्चा दादी के साथ गया अपनी पंच कल्याण देखने, जन्म कल्याणक का दिन था, जन्म कल्याणक हो चुका था, मुर्गियों को कपड़े पहनाए गए थे, पहनाए जाते। लड़का छोटा सा वो कहता है दादी ये अपने भगवान नहीं है। क्यों? अपने भगवान तो कपड़े पहनते हैं, जी तो कपड़ा पहने। अपने भगवान नहीं है, अधूरे हैं। कहाँ है बेटा? अपने भगवान है, अब भगवान बने नहीं है। जब ये कपड़ा उतारेंगे तब भगवान पुनः प्रकट होगा। पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं और पर्याय द्रव्य होता नहीं। पर्याय को द्रव्य मान ले नहीं मान, पर्याय के बिना द्रव्य कल्पना करो तो एक दूसरा शब्द है निरपेक्ष। निरपेक्ष द्रव्य पर्यायों से निरपेक्ष होता है। एक बार क्या हुआ, वैष्णव संप्रदाय का एक व्यक्ति था, लड़का आवारा जुआरी शराबी, शेर जी चले गए। लड़के ने कहा अब सब तो बेच लो, खाए बैठे, अब क्या करें? ये गणेश जुआ की इनकी कौन पूजा करे? गणेश की पूजा कौन करे? इन बेच आएंगे आज तो शराब की दुकान पर गणेश और चूहे को बेचने गई। और संयोग की बात दोनों मूर्तियां दस तोले की थी मानो, उसने तोला और भाव बना ली। जब तोला और भाव बनाए तो एक ही भाव, तो लड़का बोला उछल करके तुम्हारे यहां बड़े अंधेरे, भाई भाव गणेश भाई भाव चूहा। अरे गणेश और चूहे की कीमत नहीं है, कीमत सोने की है। गणेश और चूहे की है, आभूषणों में हम आपसे कहें उसी भाव, हार उसी भाव, कुंडल उसी भाव, मुकुट उसी भाव, एक ही अंगूठी एक ही भाव। अरे भाव अंगूठी का नहीं है, कुंडल का नहीं है, मुकुट का नहीं है, अंगूठी भाव है सोने का। और सोने का भाव नहीं समझोगे तो ठग जाओगे, ठगाए जाओगे। और नहीं तो इन बैठे पक्के करो, बोलो पहले भी पूछा था आज भी कह रहे हैं, 10 तोले का हार कितने का? बोलो पक्का करते हो? नहीं कर पाओगे। हार इस चीज का है कि इमिटेशन का है कि सोने का है किसका है? पहले हार तो दिखा। अगर हार सोने का है तो 10 तोले की कीमत, कीमत किसकी है? और व्यवहार कार का है हार का, हार में सोना है उतनी कीमत है। और तो और हार के साथ में जो टांका लगा है उसकी भी कीमत नहीं है। उसको हम पुरानी भाषा में बट्टा कहते थे,
मने अलग से हो तो उसकी कीमत है और उसके साथ में तो कोई कीमत नहीं, बच्ची में गो मुफत में गया अलग हो तो कीमत है कुछ ना कुछ, 5 ग्राम 10 ग्राम जो कुछ भी हो उसकी कीमत होगी कि नहीं। लेकिन सोने के साथ में तांबा मिला हुआ है क्या कीमत, बटी में 10 तोले तोला और 5 तोले के 8 तोले की दाम दी। बेईमान है शराब, ईमानदार है ईमानदार। अरे भैया तोले का और मासे का और रत्ती का और ग्राम का हिसाब मत लगाओ, सोना कितना है बाद की तो तांबा है उसमें रांगा है उसकी कीमत नहीं। तो कीमत आत्मा की पहचानो, बहिरात्मा भी आत्मा ही है अंतरात्मा भी आत्मा ही है। अगर बहिरात्मा का अनादर करोगे ए उठ जाओ बहिरात्मा तो परमात्मा कहां से लाओगे, अंतरात्मा कौन बनेगा। जो अंतरात्मा बनता है बहिरात्मा ही बनता है, लेकिन बहिरात्मा बने को छोड़कर अंतरात्मा हो बहिरात्म को त्याग अंतरात्म जी बहिरात्म का त्याग बहिरात्मता को छोड़ो, बहिरात्मता बहिरात्म को मत छोड़ो, बहिरात्म को नहीं छोड़ो बहिरात्म बने को छोड़ो और अंतरात्म हो और अंतरात्म हो निरंतर परमात्म को ध्यान। क्यों बहिरात्म को छोड़ने की बात क्यों नहीं कही, बहिरात्मता की बात क्यों कही जोड़ने की, कि बहिरात्मा छोड़ोगे तो अंतरात्मा कौन बनेगा और बहिरात्मता छोड़ करके अंतरात्मा बन जा। कभी नाटक देखा तुमने, बस इतना ही कहेंगे, नाटक देखा एक वेश को धारण हटा करके दूसरा वही बना था आदमी बोलिए वेश बदल गए, स्वांग बदल गए, पर्याय बदल गई, द्रव्य तो वही का भैया वह शुद्धात्मा कौन है जिसके हाथ से अप्रमत्त दशा होती है। कुछ और कहें जिसके हाथ से अप्रमत्त दशा ही होती है, कुछ और कहोगे जिसके हाथ से अप्रमत्त दशा भी सहज होती है। अंधकार में भी प्रमाद नहीं आएगा, अगर आत्मा की अनुभूति होगी तो प्रमाद वही है जहां आत्मा की अनुभूति नहीं है। आत्मा की अनुभूति में अप्रमत्तता हो, जिसके आस्ते से अप्रमत्त दशा भी होती है, जिसके आस्ते से अप्रमत्त दशा सहज ही होती है और जिसके आस्ते से ही अप्रमत्तता होती है वह आत्मा। क्या कहा, जिसके आस्ते से ही अप्रमत्तता होती है, किसी अन्य प्रकार से अप्रमत्त दशा नहीं हो सकती। सच्चे से नहीं हो सकती, तुम रात में छोड़ो पानी भी छोड़ दो, एक बूंद पानी अंगीकार मत करो, बम भी मत लगाओ, सच्चे जैनी नहीं बनोगे, पक्के जैनी तो हो। पक्के जैनी भी वही कहेंगे जो जैनी नहीं है, जो सच्चे जैनी है वे नहीं कहेंगे। ये चरण ही उसका कथन है, दिव्यान युग का कथन नहीं है। चरण योग पक्का जैनी उसको कहेगा जो रात में नहीं खाता, लेकिन दिव्यान योग जैनी उसे कहेगा जैसे विद्व ज्ञान हो।
वेद विज्ञान बिना जैन बना कहां से आएगा? जैसा भगवान करती है वैसा करने तुम लगी, और जैसा भगवान मानती है मानोगे कौन? मानेगा कौन? जैसा भगवान मानती हैं वैसा ही हम मानेंगे, तब हम सच्ची जैन बनेंगे। विचारना।